ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं सीपीसीटी के बारे में कि सीपीसीटी क्या, सीपीसीटी क्यों करनी चाहिए, सीपीसीटी करने से फायदा क्या, ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है वही उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। वही बच्चे ये वीडियो देखें, अगर आप जानते हैं कि सीपीसीटी क्या है तो आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं सीपीसीटी के बारे में कि भाई सीपीसीटी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का एग्जाम आता है, फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, अगर आप फॉर्म नहीं भरा है और आप भरना चाहते हैं, सीपीसीटी क्या होती है, जैसे मान लीजिएगा आप लोगों ने एग्जाम पेपर क्वालिफाई कर आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट आ गया, तो आप चाहते हैं कि यार ये वैलिडिटी क्या है, एंड सिलेबस क्या है, किस प्रकार से सिलेबस होता है, किस तरीके से उसको वैलिड किया जाता है, सिलेबस क्या है ना, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और वहां सब्जेक्ट किस पैटर्न पर पूछा जाता है, एग्जाम कैलेंडर क्या है, भाई अब नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, कितने महीने के बाद पेपर होता है, किस तरीके से पेपर होता है, या साल में पेपर होता है, 6 महीने पेपर होता है, या फिर हर एक 2 महीने में पेपर होता है, नहीं पता है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। बेस्ट बुक क्या है, कौन सी ऐसी बुक है जिससे हम प्रिपरेशन करें और फर्स्ट टाइम में हमारा एग्जाम क्वालिफाई, मैंने 68 मार्क्स किस बुक को पढ़ के लिए, ऐसी कौन सा तरीका था, ऐसा कौन से नोट्स थे जिनकी मदद से मैंने वो 68 मार्क्स प्राप्त किए, वो बताने वाला हूँ। बेस्ट कोर्स आपको क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हम प्राप्त कर सकते एग्जाम को पहले, अगर ये सारी वाली सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर, सीपीसीटी ये बोलता है यानी सीपीसीटी का सर्टिफिकेट जिस बच्चे के पास है वो बच्चा ये बोल सकता है कि भाई मुझे कंप्यूटर आता है, मैं कंप्यूटर में दक्ष हूँ। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डाउट ये आ रहा होगा कि सर हम डीसीए कर लेते हैं, है ना सर, हम डीसीए कर लेते हैं, पीजी डीसीए कर लेते हैं, ठीक है पीजी डीसीए कर लेते हैं, तो ये भी तो हमें कंप्यूटर में दक्ष बनाते हैं ना, ये भी तो बोलते हैं कि भाई आप कंप्यूटर के अंदर दक्ष है, तो क्या स्पेशली फिर सीपीसीटी को करना जरूरी है या नहीं भाई। ये अगर सीपीसीटी भी हमें कंप्यूटर में दक्ष बनाता है तो डीसी पीजीडीसी एंड और भी अन्य कोर्सेस हैं जो आपको कंप्यूटर में दक्ष बनाते हैं, तो क्या फिर ये सीपीसीटी करना आवश्यक है या डीसी से ही काम चल जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ये भी आपको कंप्यूटर में दक्ष बनाते हैं, इसके साथ साथ में सीपीसीटी भी आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनाता है, बट इसमें अंतर है, ये जो सीपीसीटी है वो आपको कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्ट तो बनाता ही बनाता है, प्लस आपको यहाँ पर टाइपिंग में भी एक्सपर्ट बनाता है। पहले क्या होता था कि पहले ओनली टाइपिंग के सर्टिफिकेट हुआ करते थे, लेकिन वो टाइपिंग के सर्टिफिकेट में कंप्यूटर का कोई मेंशन नहीं हुआ करता था कि भाई आपको कंप्यूटर भी आता है, लेकिन अब सीपीसीटी एक ऐसा सर्टिफिकेट बना दिया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई उसमें आप कंप्यूटर में भी दक्ष हैं और आप टाइपिंग में भी दक्ष हैं। लेकिन डीसी पीजीडीसी ये बोलता है कि भाई आप कंप्यूटर के अंदर ही एक्सपर्ट हैं, आप टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं है, तो ये जो सीपीसीटी का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है वो कंप्यूटर प्लस टाइपिंग में आपको एक्सपर्ट बताता है। इसलिए अगर आप पीजी और डीसी या डीसी आपने कर रखा है तो आपको सीपीसीटी भी करना होगा। अब यहाँ एक और डाउट बच्चों के अंदर आता है कि सर अगर हम सीपीसीटी कर लेते हैं, कंप्यूटर और हिंदी में दक्ष बना लेते हैं, बन जाते हैं, तो टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों में दक्ष बन जाते हैं, तो क्या फिर आपको डीसी पीजीडीसी करने की आवश्यकता है? तो भाई अगर हम एक तरीके से बोला जाए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूं, तो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई मेरे बोलने से कुछ थोड़ी होता है मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट के बोलने से सब कुछ होता है। तो भैया एक समय एक ऐसा ऑर्डर आया था कि डीसीए पीजीडीसीए को की आवश्यकता नहीं है अगर आप सीपीसीटी कर लेते हैं तो, क्यों? क्योंकि उसमें कंप्यूटर भी आ जाता है और टाइपिंग भी आ जाती है, लेकिन इसमें ओनली कंप्यूटर आता है। लेकिन भाई साहब आपको पता है अगर ये ऑर्डर मान्य हो जाता तो भाई साहब कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो कंगाल हो जाती, ऐसे कितने कॉलेज हैं जिनका पर डीसी पीजीडीसी के नाम पर धंधा चल रहा है, तो वो धंधा बिल्कुल ही बंद हो जाता भाई। और ये बड़े बड़े लोग हैं जो डीसी पीजीडीसी के नाम पर ये कोर्सेज के नाम पर धंधा चलाते हैं, तो इनके धंधे तो ठप हो जाते, तो फिर उस कोर्स को उस ऑर्डर को कैंसिल करके एक नया ऑर्डर आया कि अगर आप लोगों को सीपीसीटी के माध्यम से कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है या सीपीसीटी जहां पर भी आपको लगाना है तो वहां पर फिर आपको साथ साथ में 1 ईयर का एक कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, मतलब आपके साथ पास सीपीसीटी या सॉरी क्षमा चाहता हूँ डीसी या पीजीडीसी भी आपके पास होना चाहिए, तो ही आपका सीपीसीटी वैलिड होगा, अदरवाइज सीपीसीटी वैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास ये है और ये नहीं है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास ये है और ये नहीं है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में
क्लियर होगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि सिंप्लिसिटी है क्या। तो ऐसी बहुत सी हमारी एमपी गवर्नमेंट की जॉब है जहां पर ये लगता है, जहां ये चीजें लगती हैं वहां इनकी आवश्यकता पड़ती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है, यदि आप 12वां पास आपने कर लिया है तो डेफिनेटली आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपने 12वां पास नहीं किया है, आपने 10th पास आउट किया है लेकिन 10th के जस्ट बाद आपने पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया है, आपको पता है 10th के जस्ट बाद पॉलिटेक्निक जो बंदा ज्वाइन कर लेता है, पॉलिटेक्निक से कोई सिलेबस ज्वाइन कर लेता है, तो वो फिर 12th नहीं करता है। तो आप अगर 10th प्लस पॉलिटेक्निक में हैं, क्वालिफाई है, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एज जो लिमिट है दोस्तों, आप 18 साल के होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तो आप ये सीपीसीटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए और उसका एग्जाम पैटर्न भी पता होना चाहिए। तो यहाँ एग्जाम पैटर्न की देखें तो दोस्तों दो पार्ट में एग्जाम डिवाइडेड रहता है। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा होता है हमारा टाइपिंग का सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए के अंदर 75 क्वेश्चंस होते हैं और ये 75 मार्क्स के ही होते हैं, जिसमें से 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन यानी एक पैराग्राफ आता है, 6 क्वेश्चन दोस्तों मैथ के होते हैं, 6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 6 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं। इस प्रकार टोटल आपके 75 क्वेश्चन आ जाते हैं। देन इसके बाद आपका टाइपिंग का सेक्शन होता है, जिसमें से हिंदी की टाइपिंग होती है और इंग्लिश की टाइपिंग होती है। इंग्लिश की टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट लाने होते हैं क्वालिफाई के लिए, एंड हिंदी की टाइपिंग में आपको 20 वर्ड पर मिनट लाने होते हैं बच्चों क्वालिफाई के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ 75 मार्क्स में से 38 मार्क्स लाने होते हैं आपको क्वालिफाई के लिए। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, YouTube पर आज तक के इतिहास में इतना क्लियर फाइव बताने वाला वीडियो आज तक पड़ा ही नहीं है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया विदाउट स्किप किए, बिना स्किप किए ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, तो आपका सीपीसीटी की रोम रोम से आप वाकिफ हो जाएंगे, हर एक चीज से वाकिफ हो जाएंगे। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जहां पर भी टाइपिंग का एग्जाम होता है वहां, हाँ हो सकता है ये लेंथी वीडियो हो जाए यार, जहाँ टाइपिंग का एग्जाम होता है वहां पर गलतियां जरूर काउंट की जाती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मैक्सिमम गलतियां इतनी हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नहीं, यहाँ गलतियों से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट होता है वो स्पीड का होता है। आपको 30 वर्ड परमिट इंग्लिश में चाहिए होती है और 20 वर्ड परमिट मेरे दोस्तों हिंदी में चाहिए होती है। यहाँ फीस की बात करें दोस्तों, 700 रुपए कुछ फीस आपका लगता है फॉर्म फिल करने में, लेकिन कुछ 50-60 रुपए वो शॉप वाला ले लेता है, इस प्रकार से ज्यादा फीस हो जाती है। वैलिडिटी जो है, अगर आप एक बार सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो सर्टिफिकेट जो है वो 7 साल के लिए आपका वैलिड होता है। 7 साल तक आप उस सर्टिफिकेट को कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में लगा सकते हैं। यहाँ अगर हम मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप 10 बार, 20 बार, 50 बार जितना भी सीपीसीटी एग्जाम देना चाहते हैं उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, आपका 2015 में जब सीपीसीटी आया हुआ था, जब जरूर उन्होंने एक लिमिट लगाया था कि अगर आप एक बार आपने डिस्क्वालीफाई हो गया तो 6 महीने से पहले पहले आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप 6 महीने के बाद ही एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उस ऑर्डर को हटा दिया गया है, अब ऐसा नहीं है। अगर आप इस बार डिस्क्वालीफाई हुए तो अगली बार दीजिए, अगली बार कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार देना चाहें उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस की ओर अगर मैं बच्चों जाऊंगा डिटेल्ड में कि कहां से किस टॉपिक से कितना आता है, किस टॉपिक से किस प्रकार से आता है, अगर मैं उसके लिए डिटेल्ड में जाऊंगा तो यार ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस को डिस्कस कर लूं, क्योंकि पुराने बच्चों को तो सिलेबस से ही मतलब हुआ, तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं सिलेबस को डिस्कस करना तो डेफिनेटली आप एक वीडियो में आप अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर यहाँ आई बटन में एक लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ कैलेंडर की बात करें तो दोस्तों अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक कैलेंडर नहीं डाला हुआ है 2024 का कि भाई यहाँ इतने डेट को एग्जाम होगा। हाँ, अगर अंदाजा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूं तो वैसे तो मई में एग्जाम होना चाहिए था, क्योंकि हर 2 महीने में पेपर होता है, लेकिन मई में इलेक्शन आपको पता है मोदी जी के, है ना जी, तो मई में तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है जून में डेफिनेटली पेपर हो, ठीक है जी, चलेगा। अब यहाँ वेस्ट बुक की बात आती है कि वेस्ट प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो दोस्तों अब पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मैं 68 मार्क्स मैंने कैसे प्राप्त किए, किस कहाँ से ऐसी तैयारी की, कौन से ऐसे टीचर थे, कहां से मैंने प्रिपरेशन की थी। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, और मैंने क्या किया था, 2015 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे
उन क्वेश्चन पेपर में से मैंने एक क्वेश्चन उठाया और उसका टॉपिक देखा और उस टॉपिक को गूगल के माध्यम से एनालिसिस करा। बच्चों इतनी मेहनत मैंने मेहनत इतनी की है, बहुत मेहनत लगती है ऐसा करने में। अगर आप एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसका टॉपिक देखेंगे, फिर गूगल पर सर्च करेंगे, फिर उसे अपने नोट्स में लिखेंगे, नोट्स में लिखने के बाद में फिर उसे पढ़ेंगे। इस प्रकार से सीपीसीटी के अभी तक जितने टॉपिक बार बार क्वेश्चन बने हैं, टॉपिक में क्वेश्चन बने हैं, उस सारे टॉपिक के मैंने खुद ब खुद अपने नोट्स बनाकर रेडी कर रखे हैं और उन्हीं नोट्स से मैंने प्रिपरेशन करी है और मैंने अपनी 68 मार्क्स प्राप्त हुए। और बाद में चल के मैंने एक चीज नोटिस करा कि मैंने जो इतनी मेहनत करी है वो सारे टॉपिक्स जो है वो हमारी एक बुक के अंदर अवेलेबल है। वो बुक कौन सी है? वो है आईटीआई कोपा वाली। ठीक है बच्चा, कौन सी बुक है? आईटीआई कोपा की एक बुक है जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। बट हाँ, ये टॉपिक इतने टॉपिक जो है वो तो इसके अंदर है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है। जैसे मान लीजिएगा मेरे नोट्स के अंदर इस कोपा की जो 100% वाले बुक है उसमें से 30% टॉपिक ही मेरी आपकी किसके अंदर पूछे जाते हैं? सीपीसीटी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें 100% पूरा का पूरा सीपीसीटी में नहीं पूछा जाता, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 30% ऐसे टॉपिक है जहां से सीपीसीटी एग्जाम में पूछा जाता है। अरे आप वो टॉपिक कौन से है, क्या है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार आप मेरे नोट्स से प्रिपरेशन करिएगा और इसी नोट्स के आधार पर हम लोगों ने बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया मेरे बच्चों, रामबाण बैच। अभी तक इस रामबाण बैच ने बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाई करा है। मेरे तो यार 68 मार्क्स है, मेरे एक बच्चे के 69 है, 67 है, हाईएस्ट इतने सारे मार्क्स हमारे इस रामबाण बैच से आए हुए हैं। अभी मॉर्निंग में 7 बजे हमारा रामबाण 4.0 वाला बैच चल रहा है। अगर आप चाहते हैं यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में और जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये था हमारा बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेकर। इसमें से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ी है, वो इन्फॉर्मेशन छोड़ी है बच्चों सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस का वीडियो मैं एक और अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि यार सीपीसीटी के मैं कितनी गलतियां माफ होती हैं जब आप टाइपिंग करते हैं तो वहां कितनी गलतियां माफ होती हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि यार कितनी गलतियां माफ की जाती हैं सीपीसीटी एग्जाम। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ प्राप्त हुई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा।